हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, मनोज यादव साहब, इकबाल खान किसान नेता, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज यादव, आपने सुना राकेश टिकैत कह रहे हैं 2022-2024 तक सब कुछ साफ हो जाएगा, हल अपने आप निकल जाएगा। प्रत्युष जी, देश एक तो कोरोना महामारी से लड़ रहा है और दूसरा एक संयुक्त किसान मोर्चा से लड़ रहा है। ये दो मुहे साफ है, किसान मोर्चा और विपक्षी दल दो मुहे साफ है। ये एक तरफ बोलते हैं कि मोदी जी बचाओ, तीसरी वेव आने वाली है, तीसरी वेव आने वाली, हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ, और फिर उसके बाद एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि लोग इकट्ठे हो, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, तीसरी वेव को ये लोग बुलाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो लाशों पे राजनीति करना इन्होंने मन बना लिया है ताकि मोदी जी को बदनाम कर सके और जाके पावना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। अरे किसानों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी लाशों पर राजनीति क्यों करते हो साहब? ये पंच सितारा जितने ये नेता है और ये विपक्षी दल, मैं इनसे कहता हूं, बिना मास्क के राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और टायर्ड और रिटायर्ड एचडी देवगौड़ा जी जैसे लोग यहाँ नीचे जमीन पर उतरे, लेकिन ये एक षड्यंत्र चल रहा है, कोरोना को फैलाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और राकेश का जिस तरह से आपने राहुल लाल कोरोना काल में जहां जहां प्रशासनिक फेलियर है, जहां पर सरकार की गलती है, उन पर सवाल उठाया जा रहा है, उठने भी चाहिए, लेकिन अगर इस कोरोना के दौरान कोई भी भीड़ को इकट्ठा कर रहा है, क्या उसको हक है भीड़ को इकट्ठा करने का, आ बैल मुझे मार करने का, लोगों की जान को जोखिम में डालने का? राहुल लाल, सबसे पहले तो किसान मोर्चा ये काम कर ही नहीं रहा है। मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार, तो कल महापंचायत हुई है, जींद और हिसार की तस्वीरें शायद आपने नहीं देखी है, ट्रैक्टर पर सवार होकर उनका दावा था 10,000 किसान निकले हैं, काय किस बात के लिए भाई? आप कह रहे प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन हो रहा है, विपक्षी दलों ने इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये शत्रुमुर्ग है, केवल और केवल मोदी के खिलाफ षड्यंत्र इकबाल खान, समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो समय चल रहा है हर किसी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, बाकी लोगों के लिए, सबके लिए, क्यों नहीं मिलकर के लड़े हम इससे, ना कि तू तू मैं करें और इस वक्त भीड़ जुटाएं लोगों को, बल्कि आप लोगों को भी समझाना चाहिए किसान भाइयों को कि भीड़ ना जुटाएं। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो हमारे भाई मनोज जी ने ये कहा कि दो मुहे सांप हैं, मैं इन्हें ये कहता हूं कि ये सांप नहीं, ये अजगर हैं, पूरे देश को निगल गए हैं, इतने मेरे देश, इन्होंने मेरे देश को, पूरे देश को लाशों का शहर बना दिया है। अभी मेरे किसान भाइयों के साथ इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये हमें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, पहले इन्होंने बदनाम किया, अब फिर बदनाम कर रहे हैं। मनोज जी, आप मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे हैं नहीं है, मेरी बात सुनिए, आपको हक नहीं है बात करने का, आपने इस शहर को, इस देश को लाखों का शहर बना दिया है आपने, आपने बंगाल में क्या किया, बंगाल में लाखों की भीड़ जुटाई, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, आपने क्या किया, और फिर भी आपने क्या किया, वहाँ हार का मुंह देखा आपने, आपको बोलने का हक नहीं है, आप सबकी मदद कीजिए, आपकी सरकार केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है, आप सबकी मदद कीजिए, वो किसान भाई हो या आम आदमी हो, कोई बिजनेसमैन हो। आप अभी आपने देखा मेरे शहर को आपने पूरे लाशों का शहर बना दिया, अरे ऑक्सीजन सेंटर नहीं मिल पाया, गैस नहीं मिल पाई, आईसीयू नहीं मिल पाए, बेड नहीं मिल पाए, आज आप बात कर रहे हैं दो महीने साहब की, आप अजगर हैं, आप अजगर हैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मनोज जी, मैं आपको बहुत, आपकी बहुत डिबेट देख रहा हूँ, आपकी डिबेट सुनो, ये आप राजनीति करते हैं, लाशों पर राजनीति कर रहे हैं आप,
आप ये गलत कर रहे हैं। ये वक्त हमें एक साथ मिलकर काम करने का है, सुनिए, ये वक्त एक साथ मिलकर काम करने का है, मगर आप राजनीति कर रहे हैं। इकबाल खान कहते हैं ना, इकबाल खान अगर कहीं कुछ हुआ और उसकी वजह से लोगों की जान गई तो हमें सबक लेना चाहिए। क्यों नहीं आप किसान भाइयों को समझा रहे हैं? गांव में देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना फैल रहा है। जिस गांव को हम अपना आधार बेस मानते हैं, अगर वहां पर हर गांव में कोरोना घुस गया तो सोचिए क्या हाल होगा। आप समझ रहे हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं इकबाल खान आप कि क्या स्थिति होगी वहां पर, उससे बचा सकते हैं आप लोग? घुस नहीं गया, घुस गया है। यहाँ कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कुछ नहीं है। राकेश जी कहते हैं पहला डोज ले लिया, बाकी किसान नेताओं ने भी पहला डोज ले लिया है, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त थी, तो वैक्सीनेशन कहां से मिल गया उनको? मैं हर्षा का भी रुख करूंगा, जल्दी से हर्षा वहां पर मौजूद। हर्षा, आपने काफी देर तक राकेश टिकैत से बातचीत की, कल तक जो सीन था उसमें, कल हमने डिबेट भी की थी जिस पर कई किसान नेता कह रहे थे कि आएंगे किसान, कौन रोकेगा उनको, हम अपना आंदोलन करेंगे, किसानों को कोरोना नहीं हो सकता। आज थोड़े से सुर बदले नजर आ रहे हैं, अब कह रहे हैं राकेश टिकैत कि हमने कहा है कि घर पर रहो, लेकिन जो आ रहा है उनको मना करने के लिए आपने कहा कि बिल्कुल साफ साफ कह दीजिए, उन्होंने कहा कि वो अपने आप रुक जाएंगे, कैसे संभव हो पाएगा हर्षा ये सारी चीजें? देखिए प्रत्युष, मैं आपको बताऊं कि कल जिस तरह की तस्वीरें हिसार से दिखी थी और जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि किसान अगर भीड़ जुटाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बात उनके आंदोलन पर ही आएगी और ये बात महामारी के जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है, ना गाजीपुर पे भीड़ इकट्ठा होगी, ना सिंघू पे होगी, ना टिकरी पे होगी। संयुक्त किसान मोर्चा और BKU दोनों इसमें सर्वसम्मति है, कहा गया है किसानों को कि वो यहाँ पर ना पहुंचे, गांव में रहे, ब्लॉक पर भी ना जाए, गांव में रहे, अपने घर पे रहे, गांव की छत पे, अपने घर की छत पे काला झंडा लगाए, ट्रैक्टर पे काला झंडा लगाए, कुछ चुनिंदा लोग मिल करके पुतला दहन करेंगे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। और इसके लिए सुनिश्चित किया गया, यहाँ पे अलग अलग लोगों की डिप्लॉयमेंट की गई है देखने के लिए कि लोग बारी दर बारी शिफ्ट बाई शिफ्ट आएंगे तो, लेकिन महामारी के एक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे, दूर दूर बैठेंगे, मास्क लगा करके रखेंगे, जिससे कि उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो सके कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे। और राकेश टिकैत ने आज एक बात साफ कह दी कि जो कल हिसार में था और जो तस्वीर गाजीपुर पे है वो बिल्कुल अलग है। उसका कारण यह है कि हिसार में मुकदमे हुए थे, उसको वापस दिलवाना था, पुलिस लट्ठी पुलिस अपने डंडे लेकर के आई थी, लिहाजा किसानों को भी जरूरी था मुकदमे छुड़वाना उन लोगों से जो कि बेकसूर थे, इसीलिए वहां पे दमखम दिखाना जरूरी था। लेकिन जब बात रही गाजीपुर बॉर्डर की तो गाजीपुर बॉर्डर में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और चौधरी साहब यानी कि राकेश टिकैत इसकी जिम्मेवारी भी ले रहे हैं कि यहाँ पे कल भीड़ नहीं होगी। जो बैरिकेड लगाए गए हैं उसके ऊपर काले झंडे लगाए जाएंगे, जो ट्रैक्टर खड़ा है उसके ऊपर काला झंडा लगाया जाएगा, लेकिन लोगों को मना किया गया है कि वो गाजीपुर बॉर्डर नहीं आए, ना ही यहाँ पर भीड़ जुटाए। तो राकेश टिकैत ने इस वक्त पूरी तरह से दिशा निर्देश गाजीपुर को लेकर तो दिए प्रत्युष, लेकिन सिंघू और टिकरी पे क्या होता है वो संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि कल का मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत संभालेंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे संभालेगा। आपने कहा कि यहाँ की जिम्मेदारी तो राकेश टिकैत ले रहे हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर टिकरी की जिम्मेदारी कौन लेगा ये भी देखना होगा। राहुल लाल ये बताइए कि 12 विपक्षी दलों ने कह दिया कि हाँ ब्लैक डे मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन को बढ़ाइए, किसान आते हैं आने दीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है, कुछ भी नहीं है। आप बतौर विपक्षी दल आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी लोगों को इस मौके पर समझाएं कि आप घरों से बाहर ना निकले, किसान अलग है क्या? किसानों की जान को जोखिम में डालकर राजनीति सुटेबल है जी, किसी भी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा कि वहां पे जाके खूब भीड़ बढ़ाया जाए। राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को नैतिक समर्थन प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी जो की एक अत्याचारी शासन चला रही है, किसानों के ये किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और आज इन्हीं किसानों का लाल किला कांड के समय भी आपका नैतिक समर्थन था, लाल किला कांड के वक्त भी आपका नैतिक समर्थन था, राजनीतिक दलों का नैतिक समर्थन था। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है प्रतीक करेगी, और उस समय बिल्कुल किसान संगठनों ने सही प्रयास किया, दीप सिंधु और दिल्ली पुलिस। अच्छा, लाल किला प्रकरण होने दिया, लाल किला में जाकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, सही प्रयास किया। क्या कह रहे हैं राहुल लाला?
मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर दिया, चार्ज दाखिल हो चुकी है। और मुझे बताओ राहुल लाल, मुझे बताओ कि जब देश के अंदर कोरोना नियंत्रण, चलिए डिबेट अभी लंबी चलेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा, लेकिन सवाल घूम फिर करके यही है, विपक्षी दल ये कहता है कि साहब हम सवाल की खामियों को हम उजागर करेंगे। ठीक है, आपका हक है, बतौर प्रतिपक्ष आप ये कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन जहां पर लोगों की जान माल सुरक्षा का सवाल है, वहां पर उनको भड़काकर बरगलाकर ये आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं, राजनीतिक धर्म, और फिर आप नैतिकता की बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं 10 का दंगल, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जे हिंदुस्तान से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 मई यानी कि कल किसान काला दिवस मनाएंगे, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान आंदोलन करता रहेगा। आपको सुनाते हैं क्या कहा राकेश टिकैत ने जे हिंदुस्तान से खास बातचीत में। मुख्य मकसद काला दिवस मनाने का, अगर लोग नहीं होंगे, भीड़ नहीं होगी, वैसी तस्वीर नहीं होगी जैसे शुरुआत में थी, तो मकसद ना, काला दिवस का पूरा होगा सर? नहीं नहीं, वो तो अपने घर पे लगाएंगे ना, वो तो फ्लैग जो होगा अपने घर पे लगाएंगे, अपने गांव के अपने ट्रैक्टर पे लगा के अपने घर में ट्रैक्टर पे लगा दो भाई, घर में जो ट्रैक्टर है अपना ट्रैक्टर ये खड़ा ट्रैक्टर इसी पे लगा दो, बस होगा काला दिवस। तो क्या सरकार समझ पाएगी आप लोग का विरोध, आप लोग की निराशा, आप लोग का क्रोध, आपकी आप जो है नाराज हैं इसीलिए काला दिवस मना रहे हैं? हाँ तो समझ ही लेगी सरकार, समझ लेगी, और ना समझो, अगर अब भी नहीं समझी तो फिर भाई वो तो उनकी इंटेलिजेंस फेल है, नहीं समझ रही। तो सर हिसार में थे हमने, महापंचायत देखी, बहुत भारी भीड़ थी, और हिसार में भी कल जितने तमाम सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें चल रही थी उसमें भी ये कहा जा रहा था कि राकेश टिकैत कोरोना महामारी के बीच इस तरह के महापंचायत कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ सर से प्रश्न है, आप जवाब इसको दीजिए, वैसे ही चलेगा जो आपको ठीक लगे। तो वहाँ तो पुलिस भी थी, करीब 8-10 हजार फोर्स के लोग थे, वे भी इकट्ठे थे वहाँ, तो बुलवाए क्यों थे फिर, वहाँ हुआ तो कुछ है नहीं, जो मुकदमे दर्ज थे वो पहले ही वे ले लेते वापसी, तो कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं। राकेश सर एक बात जानना चाहती हूँ सर, लगातार सब ये बात कह रहे हैं कि कोरोना के बीच आप ये काला दिवस क्यों मना रहे हैं? झंडा लग रहे तो काला झंडा लग जाएगा, वही तो काला दिवस है। 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, तो 26 तारीख को ही तो काला झंडा लगेगा, 6 महीने जब हो जाएंगे, या 27 को लगेगा या उसको लगेगा या फिर जाके दो, वो तो 6 महीने के उस पर लग रहा है, 6 महीने हो जाएंगे तो हम लगा रहे हैं उसको, काला झंडा लगाएंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ सर हर तरीके की जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे उन सबको आज आप क्लियर कर दे यहाँ पे। सर ये भी कहा जा रहा है कि काले दिवस को लेकर के आपने शायद ये भी कहा है कि लोग इकट्ठा हो, पंजाब से लोग आए, यूपी से, ऐसा भी कुछ है सर? नहीं, जो लोग जहाँ पे रहेंगे वे अपने ट्रैक्टर पे काला झंडा लगा ले, अपनी गाड़ी पर लगा ले, अपने घर के ऊपर लगा ले फ्लैग, कोई इकट्ठा नहीं होगा कहीं, अपने घरों पे जो जहाँ पे हैं वहीं पे भी रहेंगे। सबने कहा था कि आपने कहीं से शायद ऐसा कहा भी था कि पंजाब से, जींद से, रोहतक से, सोनीपत से लोग इकट्ठा हों, सिंघू बॉर्डर आए, सरकार को दमखम दिखाना है, ऐसा भी कुछ है सर? नहीं नहीं, ये नहीं कहा हमने कभी, ये नहीं कहा। सर मुख्य मकसद काला दिवस मनाने का, अगर लोग नहीं होंगे, भीड़ नहीं होगी, वैसी तस्वीर नहीं होगी जैसे शुरुआत में थी, तो मकसद ना, काला दिवस का पूरा होगा सर? नहीं नहीं, वो तो अपने घर पे लगाएंगे ना, वो तो फ्लैग जो होगा अपने घर पे लगाएंगे, अपने गांव के अपने ट्रैक्टर पे लगा के अपने घर में ट्रैक्टर पे लगा दो। हमारे साथ तो तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इकबाल खान, जैसा राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमने लोगों से कहा है कि आप अपने घरों में रह करके विरोध दर्ज कराइए, वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर 26 तारीख को किसान यहां पर दिल्ली में किसी भी बॉर्डर पर आकर जुटते हैं उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? पहली बात तो जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है उसका निर्णय यही हुआ है कि हम जितने भी किसान भाई हैं हमारे, हाँ, और जितने भी हमारे किसानों के नेता हैं, सबसे अपील की गई है, हाँ, कि अपने वो वहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं उनके, जो उनके मकान हैं उनके, हाँ, काले झंडे लगते हैं, हाँ, और किसी तरह का कोई विरोध ना हो, किसी, हाँ, तरह का कोई जाम ना हो, ये हमारा निर्णय लिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए,
कौन जब महामारी चल रही है लोगों की मदद भी की। लेकिन इकबाल खान इसमें एक बात और उन्होंने ऐड की है कि हाँ कुछ लोग आएंगे वो कमेटी के लोग रहेंगे जो सांकेतिक तौर पर यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, वो ये भी कह रहे हैं। ये कैसे होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन? तो आप भी कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, आप देख लो वहाँ पे आपके कैमरे दिखाया भी है। हाँ। एक ही झोंपड़ी में जो लोग रह रहे हैं हमारे, तो हम तो वहाँ सारे जो कोविड प्रोटोकॉल है वो निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वैसे से महामारी बहुत ही खतरनाक हो चुकी है, बहुत ज्यादा भयावह रूप ले चुकी है। इन्होंने बहुत नौजवान हमारे साथ ही हमारे दोस्तों की जान ले ली है। हाँ। और इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। सब कुछ समझते हुए भी ऐसा जोखिम क्यों लेना है इकबाल खान? मैं आपके पास आऊंगा, मनोज यादव इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। मनोज यादव देखिए, प्रत्यूष जी गधे की लाश और संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत और विपक्षी दलों की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, वो लोग जमीनी स्तर पर खो चुके हैं, ये लोग अपनी बातों से खो चुके हैं। सोनिया गांधी की बात तो आप कैप्टन अमरिंदर सिंह मानने को तैयार नहीं है, एक सेकंड। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जल्दी से मैं आपको बता दूं, काला दिवस की तैयारियों में जुटे किसान नेता अब उनको कोरोना का डर सता रहा है, बॉर्डर पर नहीं जा रहे हैं, कोरोना के डर से जूम पर वो मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन भीड़ जुटाने की कवायद कर रहे हैं। कई जो बड़े चेहरे हैं जो खुद को किसान नेता कहते हैं वो जूम पर मीटिंग ले रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आगे की प्लानिंग हमारी क्या है, लेकिन खुद फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं। अब सोचिए इसका असर क्या होता है, दूर दराज गांव में जो किसान बैठा है और वो अगर इस जूम मीटिंग में मोबाइल के जरिए जुड़ता है, उसको आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं आती, वो सीधे निकल पड़ता है। अब इसकी जिम्मेदारी क्या ही लेंगे तमाम नेता जो घर पर बैठकर जूम से मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग हो रही है, बताया जा रहा है कि आगे की प्लानिंग क्या है, 26 तारीख को क्या करना है। अभी अगर सारे किसान नेता वहां तो सिंघू बॉर्डर पे जमा होते या अलग अलग मोबिलाइजेशन होता तो वो स्थितियां चल रही हैं। एक सेकंड। नहीं, 20 जनवरी को राहुल लाल जी, ये जो किसान नेता खुद को किसान नेता कहते हैं ये जूम पर मीटिंग ले रहे हैं, खुद फ्रंट पर नहीं आ रहे, वो अपने घर पे सेफ है, सुरक्षित है। अब उनकी बात को सुनकर इकबाल खान भी इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, मुझे मालूम है, आप भी कहिएगा। अब वो किसान बेचारा घर से निकल पड़ेगा, उनको कौन समझाएगा कि साहब कहाँ जा रहे हो? अरे राहुल लाल जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया कि इस दौरान कोई आंदोलन कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, पंजाब में पूरी सख्ती है, अब क्या कहिएगा बताइए आप? मतलब पंजाब में कोई आंदोलन कोई प्रदर्शन नहीं होगा, हाँ दिल्ली में जरूर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे राहुल लाल जी, विरोध प्रदर्शन आप कह रहे हैं पूरे किसानों का है, ये भी चुनिंदा हो गया क्या? इस स्टेट को छोड़ दो, यहाँ हमारी पार्टी यहाँ पर रूल कर रही है, उस स्टेट में करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने यहाँ केस नहीं बढ़ने देंगे, वहाँ बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इकबाल खान साहब, कोई चुनिंदा मामला नहीं है इसमें, बीजेपी अपने जिम्मेदारी से भाग रही है। प्रत्यूष मेरे दो तीन सवाल हैं, गधे की लाश कह रहे हैं, उस गधे की लाश नहीं इनको चुनाव जिताया है, संसद में जो पहुंचाया वो हमने पहुंचाया है,
वो हमारी ताकत की जो आज इनकी सरकार है केंद्र में भी उत्तर प्रदेश में भी। और मैं आपको बता दूं कि आप एक उपलब्धि गिना दो, आप मनोज जी एक उपलब्धि गिना दो आपके, आपकी सरकार ने इस देश के लिए ये कार्य किया है। बस एक कहता हूँ, एक गिनवा दो आप, ज्यादा नहीं कहता, मैं एक गिनवा दो आप। आपकी सरकार ने इस देश को गड्ढे में पहुंचा दिया है, आपने आपकी सरकार ने दिखाइए, जो हॉस्पिटल में मिले उन्हें दिखाइए, जो लोग सड़कों पर मरे उन्हें दिखाइए, आप मुझे दिखाइए नहीं। आपने क्या किया, हॉस्पिटल बेड तक नहीं होता हुआ आपकी सरकार ने बेड तक बनाया था आपको हमने, और आप जिसे कथा कर रहे हैं सुनिए, हमने आपको बनाया, आपको चुनाया हमने, और हमने कहा था नरेंद्र मोदी हमने कहा था आज हमें कथा कर रहे हैं आप, लेकिन बात कर रहे हैं आप देश से माफी मांगिए, आप किसानों से माफी मांगिए। मैं कहता हूँ आपको माफी मांगनी पड़ेगी पूरे देश के सामने, आपको पूरा देश देख रहा है, आपको अंदर से माफी मांगनी पड़ेगी, सुनिए मेरी बात, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको अंदर से खराब कथा कर रहे हैं। यदि बात सुनिए मनोज जी, ये राजनीति करने का टाइम नहीं है, ये एक साथ लड़ने का टाइम है। आप धातों के शहर पे राजनीति कर रहे हैं, आपने इस देश को सोने के देश को धातों का शहर बना दिया है आपने, आपकी नाकामी ने देश, आपकी नाकामी सरकार की, और आपने बंगाल में देख लिया आपका क्या हाल हुआ, आप देख लिया, ये बताना चाह रहा हूँ आपसे मनोज जी। आप यहाँ बैठ के विवेक तो करते हैं, चाहे गाँव में जाकर देखिए। मनोज यादव एक सेकंड मनोज यादव, अगर मान लीजिए 26 तारीख को किसान अच्छी खासी संख्या में जुटते हैं और वो दिल्ली की तरफ मूव करते हैं, रोक पाएंगे उन्हें? देखिए प्रत्यूष भी निश्चित रूप से सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी, लेकिन मेरा सवाल ये है, जब एमएसपी से रिकॉर्ड तोड़ खरीद हो रही है, जब सरसों की खरीद हो रही है, गेहूं की खरीद हो रही है, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, 1.5 साल तक कानून नहीं लागू होगा, और मंडियां खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी की जमीन नहीं छीनी जा रही है, तो एक ड्रामा किस चीज का, ये कोरा राजनीतिक षड्यंत्र है और ये किसान विरोधी आंदोलन है। राहुल लाल और ये राकेश टिकैत के मुंह से शब्द नहीं निकला, हमारी बंगाल की बेटी की अस्मिता रखी गई सीकरी बॉर्डर पर, ये अंग्रेज हुआ, ये हाहाकार मचाने वाले लिबरल गैंग के एक भी सीजीए बाहर निकल करके नहीं आए, ये लिबरांडू बाहर नहीं निकले, इनसे ट्वीट तक नहीं निकला, वहाँ ये केवल और केवल कोरोना स्प्रेडर के मामले बढ़ा रहे, कोरोना स्प्रेडर बंद करें। देखिए इस वक्त बीच स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है ना, तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, ये तस्वीर कल की है जो हमने दिखाई, जो आज कह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही हम अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, कल उसकी पूरी धज्जियां उड़ गई तस्वीरों में, ये जिंद और हिसार की तस्वीर है। अब बताइए यहां पर कौन सा पालन हो रहा है प्रोटोकॉल का या गाइडलाइन का, जरा बताइए इकबाल खान साहब, बताइए यहां पर सर, वो तस्वीर दिखाइए जहाँ किसान पिटे, किसानों पर मुकदमे हुए, किसानों से खून बहा, किसानों के सर फोड़ दिए। अरे सर मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जिस कोरोना संकट काल से हर कोई जूझ रहा है, हम आप सब कोई जूझ रहे हैं, उससे बचने के लिए हर कोई मिन्नतें कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं सर, ऐसे में क्यों हम भीड़ जुटा करके लोगों की जान पर हम और आफत मोल लें। जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसी इकबाल खान साहब कोई जवाब है? ये कल की तस्वीर है, ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है, फिर किस आधार पर आप दावा करते हैं कि जो हमने समझा दिया है किसान भाइयों को समझ में आ गया है, सब अपने अपने घर में विरोध प्रदर्शन करेंगे, कोई बॉर्डर पर इकट्ठा नहीं होगा। इकबाल खान जी नहीं, किसान का सिर्फ किसान का सिर्फ फूट रहा है, किसान के मुकदमे हो रहे हैं, किसान पर कितनी परेशानी आ रही है, किसान के साथ झूठ बोल रही है सरकार। नहीं क्या चाहते हैं इकबाल खान जी, क्या चाहते हैं इसको, एक सेकंड इकबाल खान जी क्या चाहते हैं, इस कोविड काल में पूरे किसानों को निकलकर सड़कों पर आ जाना चाहिए। राहुल लाल जी आप अपना जरा स्टैंड भी क्लियर कर दीजिए, राहुल लाल जी आप अपना स्टैंड भी जरा क्लियर कर दीजिए कि क्या आप समझाएंगे किसान भाइयों को कि घर पर रहें, बॉर्डर पर प्रोटेस्ट करने के लिए ना आए, और अगर आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
फिर लीजिए, फिर आ गए आप आक्रोश पर, फिर आ गए आक्रोश पर आप। अरे कोविड टाइम, ये कोविड टाइम घर पर रहने का है कि सड़क पर निकलकर बवाल करने का, मुझे बता दीजिए। क्या बात कर रहे हैं राहुल लाल जी, फिर वही बात हो गई कि जो नेता खुद को किसान कह रहे हैं, जूम पर मीटिंग करते रहिए, लोगों को बताते रहिए सड़कों पर निकल जाइए, अपने सुरक्षित, बाकी जाए जिसको जहां जाना है। कोरोना की चपेट में आए तो आए, फिर हम कहेंगे कि देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने इनकी जान ले ली। अरे साहब, जब हमारे हाथ में कम से कम इतनी सुरक्षा तो कि हम अगर अपनी हिफाजत करें घर में रह करके तो बढ़िया है, उसके बाद हम निपट लेंगे जो जितनी समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। चलिए, 10 का दंगल आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप या आपका परिवार कोरोना से पीड़ित है और आपको घर के बने पौष्टिक खाने की जरूरत है तो जी हिंदुस्तान की वेबसाइट www.zeehindustan.in पर जाएं और कोई भी भूखा ना सोए टैब पर क्लिक करें, वहां पर आपको उन लोगों की एक लिस्ट मिलेगी, अपना राज्य सेलेक्ट करें आप, जिसके बाद आपको अपने शहर से जुड़े उन लोगों के नाम और नंबर मिल जाएंगे जो फ्री में खाना मुहैया करा रहे हैं। जी हिंदुस्तान हमेशा आपके साथ रहा है और इस संकट की घड़ी में भी आपकी मदद करने का वो प्रयास कर रहा है।